हेलो एवरीवन, तो हमारे घर की पहली होली आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे इस नए वाले घर की पहली होली है। तो यहाँ पे जब हम लोगों के दरवाजे में होली जलाई जा रही थी, पार्क में जलाई जा रही थी, तो यहाँ पे किन्नर आ गए थे। सो उन लोगों ने डांस वगैरह किया, बट म्यूजिक मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का डर रहता है, जिस वजह से मैंने जो है वो बंद कर दिया है। और काफ़ी जो है देर तक उन लोगों ने डांस किया था। सो आप लोग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने होली किस तरीके से मनाई। तो इस बार की होली हम लोगों की बहुत ही अच्छी हुई, मीन्स लाइफ में पहली बार इस तरीके की होली हुई कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। क्योंकि बस जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ में कि क्यों इतना अच्छा रहा। बस समझ लीजिए मेरे नए घर की होली तो बहुत ही अच्छी थी, और खुशखबरी भी आई हुई है, तो वो वीडियो मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट मैंने कहा चलो होली वाला वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ पहले, इसके बाद फिर अभी मुझे जो है मेरे घर में जो नई खुशखबरी आई है वो भी मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो आप लोग इसको ही इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे डांस वगैरह हो जाने के बाद इन्होंने टीका वगैरह लगाया इन लोगों को, क्योंकि पहली बार हमारे दरवाजे में आए हुए थे, डांस किया, सारा कुछ किया। सो इन्होंने शगुन के पैसे दिए, कह रहे थे कि अपने दरवाजे में अगर आए हैं डांस किया तो इनका शगुन बहुत ही अच्छा होता है। सो इनको शगुन के पैसे दिए, इंजॉय बहुत अच्छे से किया। बट क्या था कि जो हमारे नेबर हैं तो उनकी भैया की जो है डेथ हो गई है, तो ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो लोग होते, क्योंकि जब पूरी कॉलोनी एक साथ होती है तो थोड़ा सा एंजॉय करने में अच्छा लगता है, वो नहीं थे तो बुरा लग रहा था। और सच बताएं तो दीदी नहीं थी, आकांक्षा नहीं थी, तो थोड़ा सा और बुरा लग रहा था क्योंकि हम लोग सब शौक बहुत था, हम लोगों ने बहुत ही सोचा हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी पहले से प्लानिंग की हुई थी कि इस बार हम लोग होली इस तरीके से मनाएंगे, इस तरीके से मनाएंगे, आंटी आप लोग जाना नहीं, तो इसी वजह से फिर बुरा लग रहा था। वो होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर ऊपर वाले के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद मैंने भी टीका लगाया, भर भर के इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो बस माता रानी सबके जीवन में खुशहाली बनाए रखें, और मुझे पतिदेव को सभी को खूब भर भर के आशीर्वाद दिया उन्होंने, और खूब होली खेली हम लोगों ने। इसके बाद होली की जो है पूजा वगैरह की करी, क्योंकि ये लोग पहले आ गए थे, इनको पता नहीं था कितने बजे से होली है। अब जब दरवाजे पे आ गए थे त्यौहार के दिन, तो ऐसा नहीं बनता है कि फिर ऐसे ही चले जाएं, तो इसलिए उनको टीका वगैरह सारा कुछ किया। तो ये देखो चार लोग आए हुए थे, और वो कह रहे थे आप लोग मुझे बता दिया कीजिए, जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो हम लोग आ जाया करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहते हैं, थोड़ा सा 5-7 घर छोड़ के रहते हैं ये। सो कह रहे थे आ जाएंगे, और कह रहे थे उस साइड नीचे किसी ने जो है होली नहीं जलाई है, तो यहाँ पे ही हम लोग आया करेंगे। फिर इनफैक्ट कल भी वो आए थे शाम के टाइम पे, तो घर पे आए बैठे जो है मिठाई वगैरह दी पतिदेव ने, उन्होंने कहा मिठाई दे दो इनको, तो मिठाई रख लेके आए थे, तो उनको मिठाई दी। एंड इसके बाद फिर वो कह रहे थे हम लोग अगले साल से और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे,
तो बस ठीक है, अगले साल का इंतजार रहेगा, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे डांस वगैरह हुआ एंड इसके बाद फिर मैं पूजा की थाल ले गई, पूजा करी, उनको आरती वगैरह चढ़ाई। तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे ससुराल में किस तरीके से, कभी इस तरीके से होली पे जाते नहीं है, बाहर घर पे ही पूजा करते हैं। पर बगल में होली थी तो फिर मैंने जला ली, क्योंकि घर पर मैं कुछ इस तरीके की नई पूजा नहीं करना चाहती हूँ। जब तक मेरे घर में ससुराल में पूजा होती है तो मैं कोई भी ऐसी मीन्स अलग से पूजा नहीं करना चाहती हूँ जो वो। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यहीं पे पूजा वगैरह कर ली, दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, जल चढ़ाया, सारा कुछ किया, होली वगैरह, होली पे गुलाल वगैरह चढ़ाया और बस हो गया। देखो मोहिनी, देखो क्या भूत बनी बैठी है। भूत तो खैर मैं भी बनी हुई हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कलर खेला है, कलर मीन्स गुलाल से खेला है। कलर तो खैर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जिस वजह से नहीं हम लोगों ने खेला, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखो सजावट भी अच्छी की थी, बट नेक्स्ट ईयर से और अच्छे से सजावट करेंगे। इसके बाद ये छोटा सा बच्चा है, दीदी को देखो कितने प्यार से कलर लगा रहा था, बहुत ही प्यार से। और सारी वीडियो को मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा जो सॉन्ग बज रहे थे, आसपास में ही बज रहे थे, जिस वजह से। सो यहाँ पे बस होली जल चुकी है एंड इसके बाद फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मीन्स और भी जो कुछ करना होगा, जैसे थोड़े बहुत लोग और आ जाएंगे तो सबके साथ में थोड़ा थोड़ा कलर खेलेंगे, मीन्स लगा देंगे सबको। और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। अभी तो खैर मायके की होली रह गई है, सो आप लोग मायके की होली वाले ब्लॉग का वेट कीजिएगा। जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर मीन्स हम लोग वहाँ जाएंगे या फिर उनको यहाँ बुलाएंगे, तब हम लोग होली खेलेंगे। तो उसका ब्लॉग तो धमाकेदार होने वाला है, सो आप लोग वेट ज़रूर कीजिएगा। दे देखो यहाँ पे होली जल गई है और सभी लोग खड़े हुए थे, ज़्यादा नहीं थे पर हाँ ठीक थे, साथ में जितने लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, पीछे से अभिलाषा आ गई थी, मोहिनी थी, हम 10-12 औरतें ही होंगी, ज़्यादा नहीं थी। सभी लोग आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। एंड इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। सो यहाँ पे मैं जा रही थी छत में अपने फूल वगैरह तोड़ लाऊँ पूजा के लिए। सो यहाँ पे थोड़े बहुत जो 2-4 टमाटर भी पक गए थे, छोटे वाले चारी टमाटर, तो बस मैंने उनको भी तोड़ लिया। गुलाब का फूल खिलाया, काफ़ी सारे फूल खिल गए थे। सो मैंने कहा चलो उनको तोड़ देती हूँ, पूजा के लिए हो जाएगी। और ये सनफ्लावर ऑलमोस्ट वो हो गया है पूरा, तो इसको जो है जब इसके बीज बन जाएंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। और बस इस गेंदे में से भी पूरे ही फूल आ चुके हैं, तो इनको फिर निकाल के वो करूँगी अलग, गमले को खाली करूँगी, इसकी मिट्टी को सेट करके फिर इसमें कुछ और लगाएंगे। तो देखते हैं, अभी पानी वगैरह भी डालना है क्योंकि काफ़ी दिनों से हम थे नहीं, खैर पतिदेव तो थे, वो डालते रहे। और बहुत ही अच्छे से मेरा टेरेस गार्डन डेवलप हुआ है, मैंने इतने दिनों में काफ़ी अच्छे से डेवलप कर लिया। सो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने गुलाब भी तोड़ दिया, मीन्स काफ़ी सारे फूल हो गए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पूजा के लिए फूल नहीं मिलते हैं, मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। इस वाले गेंदे में आप देखो बहुत ही ज़्यादा फूल खिले, इसमें तो खैर ठीक है छोटे वाले हैं, बट जो बड़ा वाला गेंदा है उसमें देखो कितने अच्छे फूल खिले। तो एक साथ में ही नहीं तोड़ती हूँ मैं, धीरे धीरे तोड़ लेती हूँ क्योंकि रोज़ ही चाहिए होते हैं पूजा के लिए। तो देखो कितने प्यारे हैं, और आप गुलाब भी देखना कितना प्यारा है। तो बस एक गुलाब तोड़ लूँगी मैं, क्योंकि बीच वाला जो देख लूँगी खिल चुका होगा पूरा, तो उसका एक गुलाब तोड़ लूँगी। तो देखो मैंने एक गुलाब भी तोड़ लिया है, नीचे हो जाएगा पूजा के लिए, भगवान जी के लिए। और मेरा अमरूद का पेड़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, रेड गुलाब भी अभी खिलने लगा है। सो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ पे मैंने फूल तोड़ के रख लिए हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके बाद जो है, अदिति नहा धो चुकी थी लेकिन मोहिनी की छोटी वाली बहन रागनी आ गई थी तो वो फिर से होली खेलने लग गई। नहाए धोए मैंने नहीं खेली थी, मैंने कहा मुझे भी खाना बनाना है। सुबह से देखो होली हो गई है, और आप सभी को हैप्पी होली, और सभी के जीवन में ऐसी ही रंगों की बरसात बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।